कक्षा 9 के विद्यार्थियों सुप्रभात। अपना चैप्टर नंबर 8 पिछले लेक्चर में समाप्त हो गया था, गति वाला। उसमें आपको बताया था गति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। गतियों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। ग्राफिकल जो मेथड है वो हटा दिया गया है कोर्स से। आज हम नवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिस्सा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया है पाठ्यक्रम से। अब हमारे पास इसमें एक ही टॉपिक है, बल वाला। चैप्टर का नाम है बल एवं गति के नियम, जिसमें एक गति के जो नियम है, न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे, पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का। तीनों नियम पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में नहीं है, यह हटा दिया इस साल। अब हमारे पास इस चैप्टर में बचा क्या? बल। बल यानी कि फोर्स। बल है क्या? आप ये देखते हो दैनिक जीवन में किसी भी चीज को कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति किससे मिलती है? बल से। हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति बलशाली है, शक्तिशाली है, यानी कि बल और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। बल ज्यादा मीन्स शक्ति ज्यादा, शक्ति ज्यादा मीन्स बल ज्यादा। तो बल है क्या? बल एक ऐसा कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और गतिशील वस्तु के वेग में और दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जैसे मान लीजिए ये टेबल यहां पर इस वक्त स्थिर अवस्था में है, अब इसको गति अवस्था में लाने के लिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। मैं इसको हाथ से धक्का दूंगा, ये मूव कर जाएगी, दूसरी जगह चले जाएगी। साइकिल है, साइकिल में आप पैरों से पैडल पैडल घुमाते हो तो एक बल ही तो लगाते हो पैरों से। आपके द्वारा पैडलों पर बल लग रहा है, पैडल से चैन पर, चैन उसको खींचती है किसको? चक्के को। और चक्का घूमता है, चक्का घूमता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो पहिया है वो घूमता है, साइकिल गति करती है। तो बिना बल के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है? तो बल क्या है? एक ऐसा घटक, ऐसा कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और गतिशील वस्तु के वेग और दिशा में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि वह घटक जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और गतिशील वस्तु के वेग एवं दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वह घटक जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है और गतिशील वस्तु के वेग और दिशा में परिवर्तन ला सकता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। संकेत क्या होता है इसका? देखिए, बल को फोर्स कहते हैं। फोर्स का शुरू का जो अक्षर है वो एफ है, तो बल का संकेत होता है एफ। एफ कहीं पर भी लिखा हुआ हो आप समझ जाना ये बल है, ठीक है? मात्रक क्या होता है? सर आइजक न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन रखा गया, यानी कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसको एन से शो करते हैं। जैसे किसी वस्तु का बल 5 न्यूटन है तो आप इसको 5N लिखो, किसी वस्तु का बल 10 न्यूटन है तो आप उसको 10N लिख दो। N मीन्स न्यूटन। तो बल को हम न्यूटन यूनिट में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाई।
सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाई, इसको डी से शो कर सकते हैं, और एक न्यूटन में 10^5 डाई होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाई होते हैं, 10^5 डाई, ठीक है। तो ये बल है, किसी भी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील करना है तो बल लगाना पड़ेगा, गतिशील वस्तु को रोकना है या उसके दिशा में परिवर्तन लाना है तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, एमकेएस पद्धति में सर्वमान्य मात्रक है, और सीजीएस पद्धति में छोटा मात्रक इसका डाइन होता है। एक न्यूटन में 10^5 डाइन होते हैं, ठीक है। अब देखिए बल के प्रकार, बल के दो प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित। नंबर एक संतुलित बल, ये क्या होता है, इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ये कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, इस वस्तु पर इस दिशा में बल लग रहा है कितना, 5 न्यूटन उधर की साइड, और उधर से इधर कितना बल लग रहा है, इसमें 2 बल कार्य कर रहे हैं, 2 न्यूटन 3 न्यूटन। 5 न्यूटन का बल तो उधर वस्तु को धकेलने का प्रयास कर रहा है, और 2 और 3 न्यूटन के बल इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये बताओ ये वस्तु स्थिर रहेगी या गति करेगी, कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। इस पर परिणामी बल क्या लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा, देखो ध्यान दो, इधर चल रहा है 5 न्यूटन प्लस विपरीत दिशा में -2 न्यूटन प्लस -3 न्यूटन, दिशा विपरीत होती है तो माइनस लगा देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस करने का मतलब है विपरीत दिशा, और एक ही दिशा में है तो प्लस चिन्ह यूज करेंगे। ये हो गया आपका 5 न्यूटन, माइनस माइनस वाले को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 5 न्यूटन, परिणाम बल हो गया 0, अर्थात इस वस्तु पर जो फोर्स काम कर रहा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 लगने के कारण यह वस्तु ना तो उधर जाएगी ना इधर आएगी, एक जगह स्थिर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के बलों को कहा जाता है संतुलित बल। तो संतुलित बल की परिभाषा क्या होगी, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो और वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो लगने वाले बल संतुलित बल कहलाते हैं। तो
जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो और वस्तु स्थिर अवस्था में हो, अर्थात परिणाम बल उनका जीरो हो, तो लगने वाले बल संतुलित बल कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह प्रकार से, एक उदाहरण भी दे दिया, ठीक है। दूसरा जो बल है वो है असंतुलित बल। असंतुलित बल देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, इधर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। तीन बल इधर कार्य कर रहे हैं, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और मान लीजिए 5 न्यूटन। अब देखिए इसमें क्या स्थिति होगी, दो बल उधर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, एक बल तीन बल इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स परिणाम बल क्या होगा देखिए, +5 +10 दोनों जुड़ेंगे एक ही दिशा में कार्य, तीन विपरीत दिशा में तो -2 -3 +-5। ये तीनों इधर विपरीत दिशा में तो माइनस लगा दिया, ये दोनों उधर कार्य करें तो प्लस लगा दिया, 10 और 5 15 3 2 5 और 5 10 आपका 5 न्यूटन, अर्थात 5 न्यूटन का बल इस पर रिजल्टेंट फोर्स के रूप में कार्य कर रहा है, जो इसको इधर धकेलने का प्रयास करेगा इधर, तो इस बल परिणामी बल के कारण यह वस्तु किधर गति करेगी इधर। इस तरह के बल को कहा जाता है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल की परिभाषा क्या होगी, जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो परंतु परिणामी बल शून्य नहीं हो, तो जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो परंतु परिणाम बल शून्य नहीं हो, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 बल कार्य कर रहे थे, 2 बल एक दिशा में, 3 बल विपरीत दिशा में, परंतु परिणाम बल शून्य नहीं है, इस परिणाम बल शून्य नहीं होने के कारण यह वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी, इस तरह के बल को कहेंगे असंतुलित बल। तो इस तरह से 2 प्रकार के बल होते हैं, संतुलित और असंतुलित। इस चैप्टर में इतना ही था, बल क्या है, बल के प्रकार क्या है, बस। आगे का जितने भी टॉपिक है वो हटा दिए गए, ध्यान रखना, ये समाप्त हो जाता है चैप्टर यहीं पर, ठीक है। धन्यवाद।